नमस्ते, निशा बेगम का लजीज किचन में आपका स्वागत है। चलिए आज एक रेसिपी बनाते हैं दाल का। तो ये देखिए मूंग मसूर का दाल है, ये हमने तकरीबन 400 ग्राम दाल लिया है। ये दाल को अच्छा तरीका से इसी तरीका का पानी दे दिया हमने थोड़ा सा, इसको इसी तरीका से मसल मसल के पूरा इसका गंदा पानी निकाल देंगे धो के, और साफ पानी में आपको बना के दिखाते हैं मसालादार दाल। ये देखिए दाल हमने अच्छा तरीका से धो लिया है, जैसा हमने पानी दिया है वैसे ही पानी आया है। तो ये हमने तकरीबन 600 ग्राम पानी लिया है दाल का हिसाब से, यहाँ तक पानी हुआ है यहाँ तक। और इसमें ऐड करेंगे हम इस चम्मच में 1.5 चम्मच नमक, डेढ़ चम्मच हल्दी पाउडर, अब फ्लेम 1 कर देंगे, फुल आंच में ही पकाएंगे, ढक के इसको खाना आने तक उबाल आने तक इसको ढकेंगे। ये देखिए दाल में हमारा उबाल आ चुका है, अब इसको खोल के हमने पकाना है। देखिए दाल में हमारा किस तरीके से उबाल आ रहा है, दाल हो चुका है, अब इसको उतार लेंगे। दाल हमारा दरदरा सा रहेगा तभी उतार लेंगे। देखिए दाल में हमने उतार लिया है, उसी में चढ़ा दिए ये छोटा सा कढ़ाई है हमारा। अब इसी में तेल ऐड कर देंगे, तकरीबन 25 ग्राम तेल हमने ऐड करेंगे, सरसों तेल। ये देखिए तकरीबन 25 ग्राम हमने तेल ले लिया है, अब इसको गरम होने दे। मसाला दिखाते हैं आपको क्या क्या मसाला लगेगा दाल का। तो ये देखिए दाल के लिए मसाला, 7 पीस हमने खड़ा लाल मिर्च ले लिया है, उसका डंडी तोड़ दिया है, 2 पीस तेज पत्ता लिया है, एक छोटा साइज का प्याज हमने कुची कुची कर लिया है, इस तरीके का छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा कुची कुची कर लिया है। ये लहसुन हमने लिया है 5 कलिया, इसको भी हमने कुची कुची कर लिया है। ये 3 पीस कच्चा मिर्चा लिया है, इसको भी इस तरीके से पतला पतला काट लिया है। ये 1/2 चम्मच गोटा जीरा। तो कढ़ाई में हमारा, देखिए कढ़ाई में तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे ये लाल मिर्च, इसको ब्राउन होने तक तो फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ये ब्राउन हो चुका है हल्का, अब इसमें ऐड कर देंगे ये तेज पत्ता, इसको भी थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। उसका बाद इसमें ऐड कर देंगे ये गोटा जीरा, इसको भी हल्का ब्राउन करेंगे। उसका बाद ऐड कर देंगे ये लहसुन, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। उसका बाद ऐड करेंगे ये प्याज कच्चा मिर्चा दोनों एक संग में, अब इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। कम तेल में बढ़िया चीज एक डिश रेसिपी रेडी हो जाएगी। ये देखिए मसाला हमारा ब्राउन हो चुका है, अब इसको उतार लेंगे, फ्लेम लो कर देंगे, अब इसको दाल में ऐसे ही करके फोड़न दे देंगे। तो ये देखिए दाल में फोड़न देके इस तरीका से चला लेंगे, और इसको चला के 2 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर देंगे, 2 मिनट के लिए इसका ढक्कन बंद कर देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुका है तकरीबन, इसको चला लेंगे। ये देखिए इसको चला लेंगे, अब आपको उतार के दिखाते हैं। ये देखिए दाल हमारा बन के रेडी हो गया है, कितना सुंदर कलर आया है, और कितना देखने में भी जितना सुंदर, खाने में भी उतना टेस्टी
और स्वादिष्ट। तो ये देखिए इसी तरीका का ये दाल बनेगा, बहुत ही टेस्टी बहुत ही सुंदर। तो आज का हमारा ये रेसिपी कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा, ताकि और भी आगे हम वीडियो छोड़ सकें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।